लोग भी ऐसे ही हैं, सब इधर उधर से बेनामा फेनामा करके ना जाने कागज कागजात आदि सब उल्टा पलटा करके सब अपना नाम में कर लिया। मन को हटाने का चेष्टा करने से विशेष कुछ लाभ नहीं होगा। कोई अगर हम ये विषय आलोचना कर चुके हैं लेकिन स्पष्टीकरण कर रहे हैं थोड़ा सा, बात तो एक ही है भगवत भजन है ना। तो सभी चाहते हैं जब हम भजन करेंगे भजन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन विवश होकर संसार चिंतन करने में एक विवशता आ जाती है, वो जानबूझ करके भी वो विवशता से मुक्त होना संभव नहीं होता है। समझते हैं जब हम तो चिंतन करेंगे, अरे सारा दिन चिंतन करना तो बहुत दूर की बात है, भजन के समय थोड़ा घंटा दो घंटा गृहस्थी लोग घर में तो भजन करने के लिए कोशिश करते हैं, गुरु कृपा प्राप्त करके है? उनका तो समय नहीं, सारा दिन विषय चिंतन में वैषयिक कर्म में ही समय निकल जाता है, फिर भी थोड़ा सा समय निकाल करके प्रातः काल या रात को भजन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मन भाग जाता है, लगता नहीं। ये साधारण के लिए बात हो रही है, जो पहुंच गए हैं उनके लिए ये शब्द नहीं, हम साधारण के लिए हम बात करते हैं ज्यादा, क्या हम साधारण है ना, तो साधारण के लिए साधारण बात ही करते हैं। आप बड़े बड़े लीला चिंतन वहां एकदम बिल्कुल तन्मयता तल्लीनता निर्विकल्प समाधि, वहां तो हमारा पहुंच के बाहर है। पहले तो हमारे यहाँ से छुटकारा कैसे मिले, इस विषय में हमको आलोचना करना चाहिए जी। गृहस्थी लोग इस चक्र में फंसा है, फंसा ये बंधन दशा प्राप्त हुआ है, इससे मुक्त होने के लिए उसको सहज कौन सा उपाय अवलंबन करना पड़ेगा, ये चिंतन के विषय है हमारे। हम उतना ऊंची स्थिति में नहीं है, वह हमारा पहुंच भी नहीं है, उस विषय हम आलोचना भी नहीं कर पाते। एक विवशता, इसका कारण है हमारे पूर्व जन्म जात संस्कार। संस्कार ही हमको चिंतन करने में मजबूर कर देता है, चेष्टा करके भी कुछ होना संभव नहीं है। जिस चेष्टा करके हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, समय लग जाएगा, चेष्टा करके होगा नहीं, ऐसा नहीं। हमारे स्वभाव ही कर्म का कारण होता है, इस स्वभाव का परिवर्तन चाहिए। स्वभाव का परिवर्तन लाना है। अर्जुन कुरुक्षेत्र रणभूमि में देखते हैं सब गुरु वर्ग बैठे हैं, सब खड़े हैं गुरु वर्ग, अपने सब रिश्तेदार कुटुंब सब निजी जन देख करके घबरा गए हैं। हम जिसको लेकर के युद्ध करने आए हैं, युद्ध करके हम विजय प्राप्त करेंगे, करके हमको क्या मिलेगा, हम सबको लेकर के सुखी रहेंगे ऐसा ना। लेकिन सुखी रहेंगे किसको लेकर के, जिसको लेकर के हम आनंद करेंगे वो तो सब हमारे विरोधी में सब ठहरे हुए हैं, विरोध में सब, विरोधी पक्ष में सब, गुरु वर्ग अपने कुटुंब अपने प्रियजन विरोधी पक्ष, बाहर का तो कोई है नहीं। तो बाण त्याग दिए हैं जी कृष्ण, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, इससे तो भिक्षा करके जीवन निर्वाह करना अच्छा है, वो भी अच्छा है, फिर भी ऐसे विजय प्राप्त करके ऐसे हमने प्रियजन को हत्या करके गुरुजन को हत्या करके ऐसे स्वर्ग सुख प्राप्त करने से भी हमको कुछ मिलेगा नहीं, हमको ये राज्य हमको चाहिए नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम ऐसा करके बांध त्याग दिए हैं। तो कृष्ण हंस रहे हैं, पर तुम हंस रहे हो, बोले नहीं हंस रहे इसलिए अर्जुन,
तुम जो कह रहे हो हम युद्ध नहीं करेंगे, तुम्हारा संस्कार तुमको युद्ध कराएगा। संस्कार ऐसे बलवान है, पूर्व पूर्व जन्म जात संस्कार एक विवशता ला देता है। शरीर में हम जितना ही कर्तृत्व अभिमान लेकर हम कर्म करते हैं, भजन करें और कोई भी कर्म करें, एक के ऊपर भी हमारा कर्तृत्व है नहीं। शरीर है एक रथ और 10 घोड़ा रथ को खींच रहे हैं। ये 10 घोड़ा है हमारे 10 इंद्रिय, उसमें लगाम बांधा हुआ है। जैसे खींचते हैं घोड़ा उधर भागता है, वो है मन, लगाम है मन, और सारथी है बुद्धि। बुद्धि जैसे मन को निर्देश करती है, मन ऐसा ही खींचते हैं इंद्रियों को। मन ही तो इंद्रियों का राजा, शुभ करो चाहे अशुभ करो, मन जहाँ आसक्त हो जाता है, मन जैसे निर्णय लेता है, इंद्रिय ऐसे ही विवश होकर ऐसे ही कर्म करने में मजबूर हो जाता है। उसका मालिक है बुद्धि। बुद्धि बुद्धि भी गुण के ऊपर आधारित, और सवारी है जीवात्मा। रथ में सवारी है जीवात्मा, शरीर रूपी रथ, जीवात्मा बैठे हैं, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, और इंद्रिय घोड़ा है। ऐसे हमारा रथ चल रहा है ना? ये भी गुण के आधारित है। बुद्धि है गुण के आधारित, सत्व रजो तमो तीन गुण का खेल चल रहा है हमारे अंदर। जब जिस गुण हावी हो जाता है हमारे ऊपर, मन बुद्धि अहंकार ये तीनों एक ही है, सत्वगुणी जब हो जाता है, सत्वगुण हावी हो जाता है, तो मन भी सत्वगुणी हो जाता है, बुद्धि भी सत्वगुणी और अहंकार भी सत्वगुणी होकर के ऐसे ही निर्णय लेता है, मन भी ऐसे ही चिंतन करने में मजबूर हो जाता है, और मन ऐसे ही निर्देश करता है इंद्रिय को, इंद्रियों ऐसे ही कर्म करने में मजबूर हो जाता है। गुण गुण प्रधान है, प्रकृति एक रिय मानी गुण कर्मानी सर्वस्व अहंकार विमरात्मा कर्ता अहम इति मान्यते। इस तरह से खेल चल रहा है हमारे अंदर। जितना सहज हम समझ रहे हैं उतना सहज नहीं है। इसीलिए पहले तो हमको क्या करना है, नहीं मन को हमको कंट्रोल करने के लिए मन को भगवत चरण में लगाने का चेष्टा करना पड़ेगा। हम जैसे चिंतन करते हैं, हमारे पूर्व पूर्व जो चिंतन है, उस चिंतन का फल है हमारा वर्तमान स्वभाव। उसके पहले जो जैसे हमारा स्वभाव था, वो भी हमारा उसके पहले का जो चिंतन और क्रिया, उसके स्वभाव हमारा पूर्व संस्कार था। ऐसे ये परिवर्तनशील है। हम आज जो यहाँ बैठे हैं, भजन करते हैं, हरि कथा कह रहे हैं, आज से 50 साल पहले हम ऐसा नहीं थे, क्योंकि हमारा चिंताधारा, हमारे कर्मधारा अलग था, तदनुसार हमारा संस्कार ऐसा ही था, ऐसे ही हमको चलाया मन करते थे। फिर जाके वृंदावन आए हैं, साधु संग में रह करके, गुरु सान्निध्य में रह करके, गुरु कृपा प्राप्त करके, साधु संग के माध्यम से एकांत में रह करके, जो भी राधारणी हमको ये इंद्रिय के द्वारा जो भी साधन कराए हैं, उनकी इच्छा, तो अब जाके जो भी परिवर्तन हुआ है, इस तरह से साधु संग महत कृपा से नहीं, हमारे चेष्टा के द्वारा, शायद कदापि हम यहाँ तक पहुँचना हमारे द्वारा संभव नहीं था। महत कृपा ही भरोसा है। इसलिए
इस स्वभाव का परिवर्तन लाना जरूरी है। हम जैसे चिंतन करते हैं, चिंतन के अनुसार हमारा धीरे धीरे मन का भी ऐसे ही परिवर्तन होता है, बुद्धि भी ऐसे ही परिवर्तित होती है। धैति विषय संघास्ते सुपजायते, संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सन्मोह, सन्मोह स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश दोष। जैसे चिंतन करोगे तुम्हारे संस्कार भी ऐसे ही बनता जाएगा। धैति विषय पुंश, ये जीव चैतन्य सत्ता जब विषय चिंतन करना शुरू करते हैं तो चिंतन के द्वारा धीरे 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 चिंतनीय वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है, अनुराग, चाहन, डिमांड, ज्यादा चिंतन करने से। चिंतन के कारण उसके अंदर उसके प्रति एक दुर्बलता आ जाती है, वो वस्तु वो चाहन करना लगता है। दैत्य विषण पंच संघर्ष जो पर जाया थी, आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना वस्तु हमको चाहिए, कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है। कामना प्राप्ति के लिए जब बाधा आती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध भवति सन्मोह, क्रोध से बुद्धि खराब हो जाता, सन्मोह हो जाता है, माने किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि विपर्जय होने का कारण वो बुद्धि भ्रंश हो जाता है। सन्मोहित होने का कारण बुद्धि भ्रंश हो जाता है, बुद्धि भ्रंश होने का कारण विनाश, विनाश माने उसका परमार्थिक बुद्धि वो नष्ट हो जाता है। विनाश माने परमार्थ बुद्धि नष्ट होना ही विनाश है। संसार भोग वृत्ति में लिप्त हो जाना ही आत्मा का विनाश है, और क्या, सीधा बात है ना। इसीलिए विषय चिंतन से मन को हटाना है। हाँ, कर्म करना है, जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी हम थोड़ी चिंता करते हैं उस विषय, हमको करना है, कर रहे हैं, कर रहे हैं, घड़ी देखते हैं, पांच बज गया अब तो घर जाना है, हम भी नौकरी किए हैं, हमको भी पता है, हैं? तीन बजे से हाथ धोना शुरू करते हैं, पांच बजे घर जाएंगे, तीन बजे से हाथ धोना शुरू हो जाता है, फिर समय व्यतीत करते हैं यही बातचीत करके, ये हो गया ड्यूटी, कुछ विशेष चिंता हमारा है नहीं, क्यों, हम नौकरी कर रहे हैं। तो संसार में भी इस तरह से अगर नौकरी जैसे तो मान लोगे तो जाके कोई बंधन नहीं, तुम बहुत जल्दी से मुक्त हो सकते हो, और वो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। एक जन हमारे पास आए, कहते हैं हमारे कर्तव्य कर्म है, ये जो हमारे ड्यूटी है हमारे संसार में पुत्र कन्या आदि, बोले अच्छी बात है भाई, ये तुम अपना कर्तव्य कर्म क्यों मान लिया, ये नौकरी क्यों नहीं मानते हो, तुमको कर्म करने के लिए कौन मना किया है, कौन कहता है तुम बेटी की शादी मत दो, कौन कहा है तुम बेटा को मत पढ़ाओ, कौन कहता है तुम पति की सेवा मत करो, भजन करो, ऐसा कोई नहीं कहता है, भजन ऐसा नहीं होता है, निवृत्त होने से ही, एकांत दर्जा का बंद रहने से ही भजन नहीं होता है, भजन तो मन है, कर्म है। जब तक देह में आत्मबुद्धि है तब तक इंद्रिय क्रियाशील है, तब तक हमको कर्म करना है, मजबूर है कि विवश होकर हमको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, चाहे तुम जंगल जाओ चाहे कहीं जाओ, कर्म से मुक्ति नहीं, हमको कर्म करना पड़ता नहीं है। आपसे बड़ा संसार हमारा है, आप लोग सारा दिन कितने जन का खाना पीना के रिश्ते कुटुंब सेवा करते हैं, हमारे यहाँ सुबह 50 शाम को 50 ऐसा होता है, हमको भी करना पड़ता है, घर छोड़ के आए हैं मजबूरी, लेकिन ये हमारा कर्म नहीं, ये कर्म हमारा बंधन का कारण नहीं, क्यों, हम सेवा करते हैं, राधा ने हमको भेजे हैं, चलो उनकी सेवा कर रहे हैं, कौन आया, कौन खाया, कौन नहीं खाया, कौन दिया, कौन नहीं दिया, कोई लेना देना नहीं है, हम प्रभु के प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं,
इसीलिए इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म करना पड़ेगा, जंगल जाओ वहां भी तुमको झोपड़ी बनाना पड़ेगा, वहां तुमको रोसोई करना पड़ेगा, खाने के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, भिक्षा करना पड़ेगा। तुम सोचते हो कर्म मुक्ति है, लेकिन ना, तुम कर्मचारी बन जाओ, नौकर बन जाओ, तो कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। मालिक मत बनो, मालिक बनने से फंस जाओगे, वही कर्म करो। तो विषय चिंता करते करते मन विषय पूर्ति आकृष्ट हो जाता है, आकृष्ट होने का कारण कामना उत्पन्न होती है, कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सन्मोह हो जाता है, सन्मोह से बुद्धि भ्रंश हो जाता है, बुद्धि भ्रंश से विनाश माने आत्मा का नाश हो जाता है, माने उसका परमार्थिक बुद्धि नष्ट हो जाता है। चिंतन विषय चिंतन इतना खतरनाक है। एक जन वृंदावन में आया, वृंदावन में आकर के विषय संपत्ति बहुत है, लेकिन साधु संघ में पढ़ करके कोई साधु कहे चलो भाई वृंदावन चलो, तो परमार्थी बुद्धि बहुत ज्यादा ही भगवान में उनका लगाव था, वो चलो भाई वृंदावन चलेंगे, हमारा तो काम धाम ही है नहीं, जमीन जाएगा जो है ये तो हमारे कर्मचारी लोग ये लोग दिखते रहेंगे, चलो वृंदावन चलो। वृंदावन आ करके साधु संघ में रह करके उनका मन में वैराग्य आ गया दूर, और साधु भी ऐसे समझाए हैं, अरे क्या विषय ये संसारी धन संपत्ति, ये तो बंधन का कारण, क्यों इसके मुंह में पड़े हो, चलने दो ना, तुम भजन करो ना, तुम्हारा परमार्थिक जीवन तुम बनाओ ना, अपना जीवन का परम मंगल साधन करने का तुमको मौका मिल गया है, मौका का तुम फायदा उठाओ। अभी भी नहीं करोगे, विषय चिंतन करके विषय में संलिप्त हो जाओगे, तो फिर बंधन दशा प्राप्त हो करके फिर जाओ फिर 84 लाख जोनी में, फिर ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा तुमको, मानव जीवन मिल जाएगा और तुम भजन करके मुक्त हो जाओगे संसार से। ऐसा सुन करके धीरे धीरे वो सोचे जाने दो, सब भाड़ में जाए, हमारे विषय संपत्ति का हमारा कोई लेन देन नहीं है। वो तो बाबा जी बन गए, बाबा जी बन करके भजन करना शुरू किया है, भजन करते करते मन उनका समस्त विषय से हट करके एकदम भगवत चिंतन में एकदम तल्लीनता, और उनका चिंता ही नहीं घर में कौन है ना है, जमीन है जगह है क्या है, बहुत विपुल संपत्ति थी उनकी। इतना में गांव से एक उनके मित्र आया है, खबर लेकर के आया कि उनको कहते हैं भाई तुम यहाँ बाबा जी बन के भजन करते हो और तुम्हारे संपत्ति से सब बिनामा करके इधर उधर से दखल करके सब लोग लूटपाट करके सब ले रहे हैं, तो वो नाराज हो गया, तुम ऐसा क्यों कहते हो, हमारा क्या संपत्ति है, जो गया गया, जिसका गया गया, हमारा क्या गया, हम विषय लेके हम जन्म थोड़ी लिए हैं। अरे भाई तुम समझते नहीं हो, तुम उस विषय को बेच करके कितना रुपया हो सकता है, उसके द्वारा तुम एक मंदिर बनाओ, साधु सेवा करो, संत सेवा करो, तुम्हारा अपना प्रॉपर्टी हम तो नहीं कहते तुम उसको भोगो, तुम उसको लगाओ, सेवा में लगाओ, सिर्फ एक बार जा करके 7 दिन के लिए चलो हमारे साथ, देखो 7 दिन के लिए हमारे साथ चलो, सब व्यवस्था हम कर देंगे, तुम उसके बेच बाज के सब पैसा को तुम ले आओ, ले आ करके ये साधु सेवा संत सेवा करो, कितना परमार्थिक कल्याण हो सकता है। ये है माया, कैसे माया घुसता है वो पहचानना बहुत कठिन होता है। तो वो मन में सोच लिया भाई बात तो सही है, इतना साधु सेवा कम से कम 2 साल कोठी झोपड़ी बना देंगे, यहाँ 10-20 साधु लोग भजन करेंगे, हमारे तो पैसा बहुत है, सिर्फ जा करके थोड़ा सा उसको बेचना है। तो ऐसा उसका मन में चिंता घुसा दिया, भगवत भजन छोड़ करके और चिंतन में लग गया, हमारे इतना जमीन है, इतना जमीन बेनामा हो गया, इतना जमीन ये कर लिया ठीक नहीं है भाई, तो ये तो हमारा ये अपना ही जमीन है, चलो बचा करके कैसे भी हो 7 दिन छुट्टी लेकर के जा करके हम इसको सब बेच बाज के सब पैसा लेकर के यहाँ साधु सेवा करेंगे, चलो हमारा जमीन हम क्यों छोड़ेंगे, ऐसा छोड़ना विषय चिंतन, भगवत चिंतन कर रहा था उससे आ गया विषय चिंतन,
विषय चिंतन से क्या हुआ, आसक्ति हो गया उस जमीन के प्रति। पहले नहीं था, किसका जमीन कौन रहता है, हमारा जमीन थोड़ी है। अरे भी उनका मन में आ गया हमारा जमीन हम क्यों छोड़ेंगे। देखो चिंतन का प्रभाव, तो चिंतन से अब वो चला गया, 7 दिन का समय लेकर के गांव गया। आसक्ति से कामना हो गया हमारा जमीन हमको छुड़ाना है, और उधर सब सब जानते हैं साधु हो गया, सब लाठी लेके हाजिर हो गया लड़ाई करने के लिए, जो नहीं देंगे जमीन, जानती है साधु है ये क्या करेगा। कामना प्रतिहत होने से क्रोध, अब उसको जमीन नहीं मिलने का कारण उसका क्रोध आ गया, कामना प्रतिहत हो गया, क्रोधित हो भी जाए थे, क्रोध हो गया, क्या हमारा जमीन हम छुड़ा नहीं पाएंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो वकील के पास जा रहा है, 7 दिन क्या 1 महीना बीत गया। अब वकील के पास भागदौड़ करते कहते रू लोग भी ऐसे ही है, सब इधर उधर से बेनामा फेनामा करके ना जाने कागजात आदि सब उल्टा पलटा करके सब अपना नाम में कर लिया। अब इसको वकील भी जुक्ति दी थे, तुम भी अपना छुड़ाने के लिए तुम भी ऐसे ही करो, कुछ कार्रवाई करो, तुम्हारा अधिकार के विषय तुम क्यों छोड़ोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। वो भी देखते हैं ठीक है हम भी ये छोड़ेंगे नहीं, क्रोधित भवति स्वमोह और बुद्धि विपर्य हो गया। वो भी साला कागजात उल्टा पलटा करके सब कहां से इधर उधर करके बेनामा फेनामा करके उसको मन में आ गया हमको छुड़ाना है हमारा जमीन, क्रोधित भवति स्वमोह, स्वमोह स्थिति विभ्रम बुद्धि भ्रंश हो गया। और वो लोग उल्टा पलटा केस लगाकर उनको दोषी साब्यस्त कर दिया, पकड़ के जेल ले गया। स्थिति भंगशत बुद्धि नाशत प्रणशत जेल। ऐसा है विषय, एक दृष्टांत है। ऐसा ही जब हमारा मन भगवत चिंतन में लगता है, यह है जड़ीय चिंतन, विषय चिंता करते करते ध्याते विषय पुंछ संगस्ते सुपजायते। विषय माने भौतिक वस्तु, माने देहदैहिक वस्तु, माने मायिक वस्तु, इसको कहते हैं विषय। विषय माने विष है, विषय क्या है, विष, विष है, उसको कहते हैं विषय, जहर पैदा करता है। और भगवत चिंतन जो है ये विषय नहीं, ये मायातीत, ये गुणातीत, ये इंद्रियातीत, चिन्मय दिव्य या आनंदमय, इसके चिंतन करते 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 धीरे धीरे इस तरह से एक ही तरह जैसे हमारे विषय चिंतन से मन आसक्त होता है, ऐसा ही भगवत चिंतन करते 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 भगवत भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आकर्षण नाम को भगवत प्राप्ति करनी है, आसक्ति से कामना, क्या कामना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। कामना प्रतिहत होने से क्रोध होता है। आप घर के संसार के लोग सब बाधा देते हैं, भजन करने से हो जाएगा, भगत जी होने से ही सब काम बन जाता है, तुम तो ऐसे ही करो ऐसे ही करो, भजन भजन करते हुए क्या क्या इसमें क्या होता है, घर संसार के प्रति तुम्हारा कोई ख्याल नहीं, तुम माला लेकर के दिन रात बैठे हो, तो क्रोध अभी जाया था, क्रोध पैदा होता है, ये क्रोध वो क्रोध नहीं है, ये क्रोध क्या होता है, ऐत रहेंगे नहीं संसार में, इतना झंझट हमको भजन का नहीं देता नहीं है, चलो वृंदावन में चले जाएंगे, वो क्रोध नहीं, ये क्रोध अच्छा है, ये क्रोध से संसार बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धि नाशत माने सांसारिक विषय वस्तु जो है उसके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाता है, बुद्धि नाशत प्रणश्यति माने संसार विषय नष्ट हो जाता है। भगवत चिंतन दिव्य चिंतन करते करते विषय वस्तु आसक्ति आदि समाप्त हो जाता है, और विषय चिंतन करते करते परमार्थिक विषय बुद्धि जो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दो दिक है, एक भगवत विषयक, एक है संसार विषयक। भगवान से हमारा नित्य संबंध था है रहेगा, ये जगत में सबसे सत्य वस्तु क्या है,
परम सत्य क्या है जानते हैं? परम सत्य है भगवान से हमारा नित्य संबंध, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत दिव्य नित्य शुद्ध सनातन भगवान के अविनाशी अंश, ये है सबसे परम सत्य वस्तु। और सबसे मिथ्या क्या है जानते हैं? झूठा। सबसे झूठ क्या है? मैं संसार का हूं, संसार मेरा है, ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठा और कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। एक तरफ भगवत विषय ये सत्य है, एक तरफ संसार विषय सबसे बड़ा झूठ है। ये झूठ में पड़ोगे तो संसार चक्र में फिर झूठ झूठ ही है, फिर संसार चक्र में फंस करके फिर ना जाने कौन जन्म में जाकर के 84 लाख जन्म में भ्रमण करते रहोगे, है ना? तो विषय चिंतन करते करते भगवत बुद्धि नष्ट हो जाता है, और भगवत विषय चिंतन करते करते जागतिक भौतिक विषय जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया है। इसीलिए कैसे भी हो जनतन प्रकारे न कृष्ण मनोनिवेश, कैसे भी हो मन को लगाने के लिए कोशिश करो। मन लग गया तो संसार भाग गया, मन लगा नहीं संसार भागा नहीं, सीधा बात है। आप क्या करना है हमको? नहीं, हमको मन को लगाने के लिए हमको चेष्टा करना है, संसार को भगाने के लिए चेष्टा नहीं करना। हाँ वो तो करना ही है, कोशिश करना है थोड़ा सा इससे अनाशक्त रहना, लेकिन उसको भगाने से वो भागता नहीं है। अंधकार ऐसे चिल्लाने से अंधकार नहीं जाएगा, बत्ती जलाओ अंधकार रहेगा नहीं। अंधकार में रहकर हाँ मैं अंधकार में हूं, मैं अंधकार में हूं, सारा जीवन चिल्लाओ अंधकार जाएगी नहीं। तो क्या करोगे? नहीं तो बत्ती जलाओ ना, अंधकार रहेगा नहीं। अंधकार को हटाने के लिए और चेष्टा नहीं, वो अंधकार रहेगा ही नहीं। संसार बुद्धि जाने के लिए तुमको, हम संसार में फंसे हुए हैं बोले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्या करो ना, भगवान हृदय में भगवान को बैठाओ, कर्ता बनाओ, समस्त इंद्रिय चेष्टा भगवत उन्मुखी, ठाकुर जी के लिए ही हमको सब कुछ करना है, अपने लिए नहीं। संसार जो है ये प्रभु का संसार है, प्रभु करा रहे हम कर रहे, इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, ये भावना का परिवर्तन होना चाहिए, तब भजन सरल हो जाएगा। भावना का परिवर्तन हुआ नहीं, एक क्रिया का परिवर्तन। हम लोग क्रिया का परिवर्तन को ही जानते हैं, हमारा भजन है, माला कर रहे हैं, दुनिया भर के ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, हरे कृष्ण यहाँ जाना है वहां जाना है, ये करना है करना है। क्रिया का परिवर्तन हो रहा है, नाम तो कर रहे हैं, लेकिन भावना का परिवर्तन हुआ नहीं ना। क्रिया नहीं, भावना का परिवर्तन लाओ। तो क्रिया कम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना? तो भावना का परिवर्तन कैसे करें? अब ये प्रश्न आता है, तो उसके लिए चाहिए ऐसे जैसे साधु संग में रहना, तत्सहित शुद्ध आहार शुद्ध विहार, एकांत वास की चेष्टा अपने घर में ही, एकांत में एक कमरा में चुपचाप दरवाजा देके सब संग सुन्न होकर के एकांत में भजन करो। जितना जरूरत हो उतना ही व्यवहार रखो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ऐसा नहीं कोई आया है कुटुंब कोई आया है उसका आदर नहीं करो, आदर करो खूब करो, लेकिन जानना ये हमारे काम नहीं है, हम तो नौकर हैं, प्रभु का कोई जन है। जितना कर्तव्य बुद्धि से जो करना है करो, लेकिन मन से उतना संबंध मत रखो। इस तरह से साधु संग में रहकर तुम एकांत में भजन करते, आहार शुद्धि संग शुद्धि, इसके साथ साथ आहार शुद्धि चाहिए। बाहरी वस्तु उल्टा पलटा वस्तु खाना, किसी का झूठा नहीं खाना, बिना भोग लगाए हुए वस्तु नहीं खाना, शुद्ध आहार शुद्ध वस्तु खाना, तामसिक वस्तु ग्रहण नहीं करना, आहार शुद्धि संग शुद्धि साधु संग में रहना, भोग्य जो ज्यादा भोगी है उन लोगों के साथ बेसी वार्ता व्यवहार नहीं रखना,
व्यवहारिक थोड़ा जितना बात करना है बात करना है बस। इस तरह से मन को एक शुद्धिकरण, धीरे 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 मन को भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, तो जितना लगता जाएगा ये भक्त आ जाएगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया। जय जय श्री राधे श्याम।